conditions are imposed on them. अब क्योंकि जैसा हमारा पर्याप्त से भी हमारी बात की थी तो उन्होंने बताया था कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, प्रूडेंशियल क्राइटेरिया है, तो उसके ऊपर मेरी तरफ से एक सेशन रखा गया था, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक जो मोटा मोटा इसका बैकग्राउंड है, इनका एसेट्स क्लासिफिकेशन है और जो NPA है उसके ऊपर हम कुछ समय इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, इसको इनिशियली सबसे पहले RBI ने इस उद्देश्य के साथ में 1 अप्रैल 1980 को इंट्रोड्यूस किया था। उद्देश्य ये था कि हमारी जो बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको बरकरार या मेंटेन रखा जा सके और की फोकस और इसके डिपॉजिट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का RBI का जो मेजर ऑब्जेक्टिव या प्रमुख उद्देश्य ये था कि हमारी बैंक की फाइनेंशियल सिस्टम में या फाइनेंशियल ग्रोथ में एक स्थिरता लेके आ पाए और